आज इंडिया गठबंधन के 21 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में राष्ट्रपति जी को बताएं। इंडिया गठबंधन को मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का साथ, मोदी और शाह को लगा जोरदार झटका। जी हाँ, आपको बताया चले कि मणिपुर मामले पर विपक्षी दल के 21 सांसदों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मणिपुर की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अवगत कराया। बैठक के बाद नेतृत्व करे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है। आगे उन्होंने कहा कि हम एक होकर मजबूती से लड़ रहे, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बहस नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिरकार राज्य में इतने हथियार कहां से आए। आइए सुनते हैं सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे, हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए, वो खुद ही आंखों से जो तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान उन्हें हरियाणा में दंगों के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने साथ ही कहा कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर का दौरा करने के साथ ही जरूरी कदम उठाने चाहिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साथ ही कहा कि हमने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है, वहाँ घटने वाली घटनाओं खासकर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में उन्हें अवगत कराया। हम राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज राष्ट्रपति से कार्यालय में जाकर मुलाकात किए। जी हाँ, आपको बताया चलेगी जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उसके पास से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।